माँ भारती को नमन करते हुए मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने सक्सेस सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.2 से सवालों को हल करेंगे। इसके पहले वीडियोस में हमने प्रश्नावली 3.1 तक सवालों को हल किया था। तो आइए हम पहला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो हम लिख सकते हैं माना लड़कियों की संख्या एक्स तथा लड़कों की संख्या वाई है। हमने मान लिया लड़कियों की संख्या वाई है। अब क्या लिखेंगे इसमें हम? प्रश्न में कह रहा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। यानी एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 10। फिर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी लड़कों की संख्या कितनी थी? वाई। और लड़कियों की संख्या कितनी थी? एक्स। तो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। यानी ये जुड़ जाएगा इसमें, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। नीचे में देखिए तो हमारा ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। क्या करेंगे समीकरण? पहली बात तो कह रहा था कि रैखिक समीकरण बनाइए, तो हमने रैखिक समीकरण बना लिया। एक समीकरण हमारा बना x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण बना x माइनस वाई बराबर 4। क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर? समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिए, y से y क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x x, तो x x जुड़ करके कितना आ जाएगा? 2x। और 10 और 4 14, 2 × 7 = 14 जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? 7। यानी जो लड़कियों की संख्या थी वो कितनी हो गई? 7। और जो लड़कों की संख्या थी तो कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने थे? 10। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे, अर्थात लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कों की संख्या इसमें मान रखेंगे तो 3 निकल आएगी, लड़कों की संख्या 3 होगी क्योंकि कुल कितने विद्यार्थी थे? 10 ही थे। इस प्रकार हमने पहला प्रश्न हल कर लिया है। अब अगला प्रश्न हल करेंगे। अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे कि पुनः हल करवाया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 5 पेंसिल, अच्छा क्वेश्चन भी रीड करना है। चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं उसी के आगे का। अगले प्रश्न में लिखा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, तो 7 कलम और 5 पेंसिलों का मूल्य 46 रुपए है। एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य आपसे पूछा गया है, देखिए कैसे हल करते हैं। माना, यहाँ से लिखा है माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए, तथा एक कलम का मूल्य 100 रुपए है। हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए और एक कलम का मूल्य 100 रुपए है। तो प्रथम शर्तानुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? 5 पेंसिल 7 कलम, यानी 5x + 7y। 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिलों का कितना हो जाएगा? 5x + 7y बराबर कितना हमारे पास है? 50। 50 समीकरण 1। समीकरण दूसरे में लिखेंगे 7x + 5y बराबर 46, समीकरण 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5x है और यहाँ पर 7x है, यानी अगर यहाँ पर 35x होता और यहाँ भी 35x होता तो समीकरण को घटा करके हम हल कर लेते, चूंकि नहीं है तो बनाएंगे किस लिए? समीकरणों को हल करने के लिए। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर
हम ये लिख रहे हैं समीकरण एक के दोनों पक्षों में पांच से तथा समीकरण दो के दोनों पक्षों में सात से गुणा करके घटाने पर चलिए इसको घटाइए गुणा करके। तो हम क्या लिखेंगे, पांच एक्स में जब समीकरण एक में कितने से गुणा करें, सात से, तो क्या हो जाएगा 35x प्लस यहां भी सात से होगा 49y और यहां भी सात से होगा 350। नीचे वाले में पांच से होगा तो ये 35x प्लस यहां भी पांच से होगा 25y और यहां भी पांच से होगा तो 5×30 का 0 3 5×20 23 यानी 230। घटाने पर क्या कर रहे हैं, इनको हम घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे तो 35x से 35x कैंसिल हो जाएगा, 9 से 5 जाएगा 4, 4 से 2 जाएगा 24y, यहाँ 0 से 0 गया 0, 5 से 3 जाएगा 2, 3 से 2 जाएगा 1, 120, तो y बराबर 120/24। काटिए इसको, 24 पंचे 120, तो y बराबर कितना आया 5, y बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको 5। लिखते रहिएगा साथ में, वाई का मान यहां तक दिख रहा होगा, हाँ वाई का मान समीकरण चाहे जिस समीकरण में रख दो, चाहे एक में रख दो, चाहे दो में रख दो, एक में रखने पर समीकरण एक हमारे पास क्या था, 5x था, तो 5x प्लस 7y, वाई के स्थान पर कितना रखेंगे 5, बराबर कितना था 50, तो 5y बराबर 50 माइनस 7×5 35, तो 5y बराबर 50 से 35 जाएगा कितना बचेगा 15, तो 5×3 15, वाई बराबर कितना आया, सॉरी यहाँ x है ना, x रहेगा, यहाँ भी x रहेगा, यहाँ भी x रहेगा, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना निकला है 3 रुपए और एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपए, क्योंकि हमने लिखा था एक पेंसिल का मूल्य ₹100, x का मान 3 है तो हम लिख देंगे एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, फिर आगे लिखा था एक कलम का मूल्य ₹Y, y का मान 5 है तो एक कलम का मूल्य ₹5 प्राप्त हो जाएगा। खैर इस प्रश्न को हल कर लेने के बाद अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे और आज काफी लंबे समय के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ा आपको हो सकता है कि साफ ना दिख रहा हो, सही हो जाएगी ये समस्या धीरे धीरे। हाँ अगला प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती, इसका भी वही करना है, पहले रैखिक समीकरण बनाइए फिर उनको हल कीजिए। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, माना भिन्न x/y है, हमने तुरंत ये लेट कर लिया, हमने तुरंत मान लिया कि भिन्न जो होगी वो कितनी होगी, x/y होगी, मान लिया भाई। फिर कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अब अंश ऊपर है उसमें एक जोड़ दीजिए तथा हर में से एक घटा दें, हर y है इसमें से एक घटा दीजिए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, यानी x+1 और इसकी एक से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा y-1, इसको इधर ले आइए तो x-y और -1 था ये भी जाएगा -1 हो जाएगा, तो x-y = -2,
हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस टू बराबर जीरो। एक समीकरण हमारा ये बन जाए, इसको हम दे देंगे समीकरण एक। इससे पहले नीचे देखिए दूसरी शर्त क्या है कि यदि हर में एक जोड़ दें यानी x बटे वाई प्लस वन तो उसका मान एक बटे दो हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो की एक से गुणा करेंगे दो एक्स हो जाएगा, वाई प्लस वन एक कर वाई प्लस वन हो जाएगा। इधर ले आइए दो एक्स माइनस वाई प्लस वन था तो बराबर वन, इसको समीकरण एक दे दीजिए। इसको इधर लाएंगे तो दो एक्स माइनस वाई माइनस वन बराबर जीरो। एक ये रैखिक समीकरण हमारा बन गया। अब कह रहा है कि हल करिए, उस भिन्न का भी मान प्राप्त करिए यानी x और y के मान भी हमको लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे देखिए, समीकरण एक क्या था हमारे पास x माइनस वाई बराबर माइनस दो, और समीकरण दो क्या है हमारे पास दो एक्स माइनस वाई बराबर एक। क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे घटाने पर, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, चिन्ह सेम है दोनों समीकरणों में, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस था प्लस का हो जाएगा, प्लस था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगी, दो एक्स माइनस का और एक एक्स था उसमें से दो एक्स घटेगा तो ये माइनस का एक्स हो गया। और यहाँ क्या होगा माइनस का दो माइनस का एक मिलेगा तो माइनस का तीन हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा तीन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों पक्षों के, एक्स का मान कितना आ गया तीन। हमने भिन्न क्या मानी थी एक्स बटा वाई, यानी हर अंश हमको प्राप्त हो गया है, अंश हमको प्राप्त हो गया और अंश में हमको क्या प्राप्त हुआ है तीन। अब देखते हैं हर में कितना आएगा, तो हम लिखेंगे एक्स का मान चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, चाहे एक में रख दीजिए चाहे दो में रख दीजिए, एक दिया था इसको दो देंगे हम समीकरण। तो एक्स का मान इरेज कर रहे हैं बोर्ड, सवाल इरेज करते हैं और इधर इरेज करते हैं, यहां से लिख रहे हैं एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक क्या था एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, एक्स का मान कितना आया है तीन माइनस वाई बराबर माइनस दो, इसको तीन को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस दो था, ये तीन जाएगा ये माइनस का तीन, माइनस दो माइनस तीन मिलेगी माइनस के पांच हो जाएंगे, और माइनस का ये क्या था वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई का मान भी क्या हो जाएगा पांच। यानी जो हमको कुल मिलाकर भिन्न प्राप्त हुई है वो एक्स बटा वाई मानी थी हमने, एक्स का मान तीन प्राप्त हुआ, वाई का मान पांच प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राप्त भिन्न तीन बटे पांच होगी। फाइनल आंसर क्या होगा प्राप्त, अतः प्राप्त भिन्न तीन बटे पांच होगी। बस लग गया आपका सवाल, और अगर समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, कोशिश करेंगे फिर से समझाने की। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की तीन गुना थी, ठीक, दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की दो गुनी हो जाएगी, ठीक, नूरी तथा सोनी सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को हल करने से पहले सवाल को हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और जब वो सवाल समझ में आ जाएगा तभी आप हल कर पाएंगे, जब आप सवाल ही नहीं समझ पाएंगे तो हल क्या करेंगे। चलिए इसको हल किया जाता है, पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की तीन गुना थी। हम लिखेंगे माना नूरी की आयु, नूरी की उम्र x वर्ष हमने मान लिया, तथा वर्तमान आयु पूछ रहा है तो चाहो तो नूरी की वर्तमान उम्र भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष,
हमने नूरी की वर्तमान आयु एक्स वर्ष मान ली और सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष मान ली। अब क्या करेंगे, पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु हम लिखेंगे, पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अभी एक्स वर्ष है तो अब से पांच वर्ष पहले यानी पांच वर्ष उसमें से घट जाएंगे, कितनी हो जाएगी एक्स माइनस पांच वर्ष, ठीक। और जब पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु एक्स माइनस पांच वर्ष होगी तो सोनू पांच वर्ष पूर्व सोनू, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी वाई माइनस पांच वर्ष। प्रथम शर्तानुसार यहां हम लिख रहे हैं, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या थी प्रथम शर्त हमारे पास, कि पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की तीन गुना थी, यानी नूरी की आयु कितनी थी एक्स माइनस पांच और सोनू की आयु कितनी थी वाई माइनस पांच, इसकी कितने गुना के बराबर थी तीन गुना, तो एक्स माइनस पांच बराबर तीन वाई माइनस तीन पचे पंद्रह, इधर ले आइए तो एक्स माइनस तीन वाई बराबर माइनस पंद्रह प्लस पांच, तो एक्स माइनस तीन वाई बराबर माइनस दस, तो एक्स माइनस तीन वाई प्लस दस बराबर जीरो, इसको देते रहे समीकरण एक, एक ये हमको रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया, हमें ये हमको रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरी शर्त लेंगे, दूसरी शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु लिखेंगे, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, बताइए अगर अभी एक्स वर्ष है तो अब से 10 वर्ष बाद कितनी उम्र हो जाएगी, 10 साल जुड़ जाएंगे, यानी एक्स प्लस 10 वर्ष, सोनू की 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी वाई प्लस 10 वर्ष। लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या थी, दो गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे नूरी की आयु एक्स प्लस 10 थी और सोनू की आयु कितनी थी वाई प्लस 10 थी, इसका कितना हो जाएगा दो गुना, यानी एक्स प्लस 10 बराबर दो वाई प्लस 20, इधर ले आइए तो एक्स माइनस दो वाई बराबर 20 से 10 चला जाएगा, तो एक्स माइनस दो वाई बराबर यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ठीक चलिए इसको यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, ये लाइन आपको दिख रही है x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, ये हमने इसी प्रकार गुणा करवाया है 2 से y का फिर 2 से 10 का, तो इरेज कर रहे हैं इसको, देखिएगा x प्लस 10 बराबर क्या है 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y ये इधर आएंगे माइनस के, इधर जाएंगे माइनस के, 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण क्या था 1, x x से मिल रहे हैं, समीकरण 1 से 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, हम लिखेंगे समीकरण एक से दो को घटाने पर घटा दीजिए, समीकरण एक क्या था एक्स माइनस दो वाई, सॉरी समीकरण यहां पर एक्स माइनस तीन वाई बराबर माइनस दस, एक्स माइनस तीन वाई बराबर माइनस दस, ये क्या है एक्स माइनस दो वाई बराबर दस, एक्स माइनस दो वाई बराबर दस,
यहाँ लिख दीजिए घटा लेंगे, हम घटा रहे हैं ना, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस तीन वाई और उसमें दो वाई जुड़ेंगे तो माइनस का y बचेगा, माइनस दस माइनस दस मिलकर माइनस के 20 हो जाएंगे, y का मान कितना आ गया 20 साल। यानी कि जो सोनू की वर्तमान आयु उसमें y वर्ष हमने मान रखी थी, अर्थात सोनू की जो उम्र आएगी अभी की वो कितनी वर्तमान आएगी 20 वर्ष। अब हमको नूरी की पता करनी है, ठीक। तो इस वाई का मान चाहे हम समीकरण एक में रख दें चाहे समीकरण दो में रख दें आराम से निकल आएगा। देखिए वाई का मान इसके बाद लिख रहे हैं यहां से, y का मान समीकरण दो में रखने पर x माइनस दो वाई, यानी y का मान कितना आया है 20 बराबर 10, तो x माइनस 40, 20 दूना 40 बराबर 10, तो x बराबर 10 और ये माइनस के जाएंगे तो प्लस के, क्या दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, तो यहां से आ जाइए, तो x बराबर 40 10 50 वर्ष। तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान उम्र 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। वर्तमान उम्र कहो चाहे आयु कहो कोई दिक्कत नहीं, उम्र और आयु एक ही बात है। कोई आपसे पूछ ले आपकी उम्र कितनी है तो भी बताएंगे उतना ही आंसर देंगे, कोई आपसे पूछ ले आपकी आयु कितनी है तब भी वही बताएंगे, ऐसा तो नहीं है कि उम्र कुछ दूसरी होगी और आयु कुछ दूसरी आएगी, ठीक है। फिर इन्हीं वीडियोज के साथ हम आज का अपना वीडियो एंड करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिले, लेकिन अगर इस सितंबर में आपको वीडियो नहीं मिल पाए तो अक्टूबर से हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू वीडियो प्राप्त होते रहे। खैर विभिन्न कारणों से 2 महीने से हम कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए, तो अब कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। थैंक यू so much, all the best.